अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले 45 गांव के किसानों का धरना प्रदर्शन पिछले 54 दिनों से जारी है। आज अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसान पहले से घोषित अपने कार्यक्रम डेरा डालो घेरा डालो के अनुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्रदर्शन और घेराव किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। वहीं प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है, लेकिन प्राधिकरण के बाहर टेंट लगाकर किसानों ने डेरा डाल दिया। वहीं पहले किसानों की पुलिस हुई धक्का मुक्की, फिर किसानों ने प्राधिकरण कार्यालय के मुख्य गेट पर टेंट लगाकर किसानों ने डेरा डाल दिया। वहीं किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान 10% विकसित प्लॉट शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, निजी व सरकारी अस्पताल में छूट, पंचायत चुनाव बहाली की मांग कर रहे। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव हरेंद्र खारी ने बताया कि पिछले 54 दिनों से हम लोगों का धरना प्राधिकरण पर चल रहा है। प्राधिकरण के अधिकारी किसानों की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। उसी को लेकर किसानों ने पहले ही आह्वान के दौरान डेरा डालो घेरा डालो के तहत दोनों गेटों पर टेंट लगाकर किसानों ने डेरा डाला। आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई हमारा मुद्दा है, एक तो जो मतलब हमारे जो भूमिहीन है, 40 वर्ग मीटर की उनकी जमीन है और 10% का हमारा जो मतलब जो सरकार ने हमसे हमारे लिए जो कहा था सरकार ने कि भाई हमें 10% मिलेगा, तो हमें 10% क्यों नहीं मिल रहा है? भूमिहीन है, उनकी जमीन क्यों नहीं मिल रही है? जो जिनके पास इनके मतलब अगर किसी के पास जो बेरोजगार है, मतलब तुम कहते हो हर चीज को लेकिन करते कुछ नहीं हो तुम। 40 दिन से यहाँ धरने में बैठे हैं लोग बाग, क्या क्या उनका कोई सीखा? 41 दिन से यहाँ धरने में बैठे हैं लोग बाग, क्या उनका परिवार नहीं, उनको नहीं दिखती ये सब? सरकार को ये चीज दिखनी चाहिए कि हमारा जो 10% है वो दो, भूमिहीनों को जमीन दो और 40 वर्ग मीटर की जो जमीन है उसे दो। मेरा नाम रोमांची है। कितने दिन से धरना प्रदर्शन में? 41 डेज से स्टार्ट है। यहाँ पे रात को भी लोग स्टे करते हैं और मतलब कि खाना पानी सब पे लेडीज आती हैं यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के। अब ये जैसे अभी यहाँ पे चल रहे हैं कि बाहर के लोग हैं, इन्हें काम करने के लिए जाना है, हमारा काम नहीं है, इन लेडीजों का काम नहीं है, बस इनका ही काम है, इनको अपना ही दिखता है बस। और लोकल हमारे यहाँ के लोकलों में कोई भी प्राधिकरण का जॉब नहीं करता, बार बार के लोग जॉब करते हैं, उनको जॉब मिलनी चाहिए ना यहाँ पे। तो अगर मांगे नहीं मानी जाती है तब तक धरना प्रदर्शन? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ ही रहेंगे, अब चाहे रात होना पड़े चाहे कुछ भी करना। ठीक, थैंक यू। हरेंद्र खारी है और मैं यहाँ का जो है जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिन हो गए? हमें यहाँ 43 दिन बैठे हुए हो गए हैं। वैसे तो हम जो बरसों से इन्हीं मुद्दों को लेकर के यहाँ आंदोलनरत हैं, लेकिन यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं वो किसानों की नहीं सुनते बिल्कुल। वो बिल्डरों का काम करते हैं, उद्योगपतियों का काम करते हैं, लेकिन जब किसान के काम करने की बात आती है तो उन्हें केवल टरकाने का ही काम करते हैं। उनका उनसे जो वादे किए हैं, जैसे मसलन हमसे 10% का वादा इन्होंने किया था, 10% का विकसित प्लॉट और 64% का मुआवजे के रूप में देने की बात हुई थी। इन्होंने हमसे शपथ पत्र भी ले लिए, लेकिन 64% मुआवजा तो दे दिया, जो 10% का आवासीय प्लॉट का जो वादा किया था उससे अब ये मुकर रहे हैं। अच्छा, और जो हमारा इनसे समझौता हुआ था पतवाड़ी में भूमिहीनों को लेकर के, उसमें 40 वर्ग मीटर प्लॉट देने की बात कही गई थी। वो जयवीर उसके जो है ठाकुर जयवीर सिंह उसके अध्यक्ष थे। आप 43 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज गेट बंदी कर किया गया है, अगर अब भी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे किस तरीके का आंदोलन चलेगा? आगे अब हमने जो है हम अपने बीवी बच्चों के सहित यहाँ आए हैं और यहाँ पूरा गांव बसा दिया जाएगा। हर गांव का अलग अलग कई कई तंबू हम यहाँ लगाएंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम यहाँ से बिल्कुल भी हटने वाले नहीं हैं। ठीक, थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।